अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए नुस्खे के साथ। आज मैं आपको ऐसी रेसिपी बताऊंगा कि ये बेहद बेहतरीन है। ये लहसुन को हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है और इसके ये फ़ायदे आपने YouTube में कभी नहीं देखे होंगे कि इतने ज़बरदस्त के फ़ायदे हैं लहसुन को, सही तरीका नहीं बताया हुआ। ये गार्लिक है और गार्लिक को सही तरीका कैसे किस तरीके से हमने इस्तेमाल करना है तो स्टेप बाई स्टेप इस वीडियो में बताऊँगा। ये मैं कहता हूँ ये जिगर की गर्मी, मैदे की गर्मी के लिए बेहतरीन है और साथ साथ ये मर्दाना ताकत के लिए ऐसा बेहतरीन नुस्खा है। नफ्स को ऐसा पावरफुल करेगा, हड्डी बना देगा, सख्त हो जाएगा, अंदर डालते ही औरतें चीखे निकालेंगी, ऐसा बेहतरीन नुस्खा है। सबसे पहले हमने लहसुन को छील लेना है। स्टेप बाई स्टेप तमाम चीज़ें बताऊँगा किस किस तरीके से हमने इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। दो अदद आपने लहसुन के टुकड़े लेने हैं, उसको छील लेना है इस तरीके से, और उसके बाद इसको हमने क्या करना है, काट लेना है। ये इस तरीके से हम इसको लहसुन को काट लेते हैं। ये मैंने इस तरीके से काट लिया। उसके बाद हमें दूसरे नंबर पे चाहिए होगा प्याज। प्याज को हमने आगे कट लगाना, पीछे कट लगा के इसको इसका छिलका उतार लेना है, ठीक है। ये गर्मियों के लिए बेहतरीन तोहफा है, गर्मियों के लिए, क्योंकि आप गर्म चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो ड्राई फ्रूट ज़्यादा आप गर्मियों में इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए ये बेहतरीन है। ये जिगर को भी ठंडा करेगा, मैदे को भी ठंडा करेगा, भूख भी लगाएगा, साथ साथ मर्दाना ताकत में ऐसा इजाफा करेगा कि 70 साल वाला ये इस्तेमाल करेगा ना वो भी 4 शादियां कर सकता है, ऐसा नुस्खा है ये। प्याज को हमने अच्छी तरीके से इस तरीके से हमने काट लेना है, बारीक काट लेना है। स्टेप बाई स्टेप तमाम चीज़ें आपको बताऊँगा, वीडियो को स्किप मत करके जाना वरना आप समझ नहीं पाओगे। फिर उसके बाद हमने उसको अलहदा कर लिया। उसके बाद हमने 1 चम्मच इसमें चने का डाल लेते हैं। उसके बाद हमने इसमें लौंग ऐड किए हैं। इसको अच्छी तरीके से हमने इस तरीके से पीस लेना है, ठीक है। ये इस तरीके से हमने इसको पीस लिया है। ये इस तरीके से अच्छी तरीके से हमने पीस लेना है। अब इनको क्या करना है, हमने आगे जाके हम तमाम तफसील के साथ बता रहा हूँ किन अज़ा को शामिल करना और किस तरीके से करना है। और इसमें हमने थोड़ा सा ये गुड़ डाल दिया, ठीक है। ये गुड़ भी हमने इसमें अंदर ऐड कर लिया है। ये अच्छी तरीके से ये भी इस तरीके से हमने इसका सफ़ू बना लिया है। गुड़ को भी अच्छी तरीके से इसमें शामिल कर लें। ये है, इसको इस तरीके एक बाल में आपने निकाल लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने गार्लिक और प्याज को यानी कूट के रखा कूट लेते हैं इसको अच्छी तरीके से, इस तरीके से हमने इसको कूट लेना है, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको कूट लेना है। उसके बाद हम एक मखमल का कपड़ा हो या कोई भी बारीक कपड़ा हो तो हम इसको क्या करना है, हमने इसका रस निकालना है, ठीक है। इसका हमने इसका जो पानी होता है ना, गार्लिक और ओनियन का यानी लहसुन और प्याज का पानी है, वो हमें चाहिए इस नुस्खे के लिए। ये जिगर के लिए और मैदे के लिए बेहतरीन होता है, ठीक है। ये गर्मियों के लिए अच्छा है, ये मैदे की गर्मी को दूर करता है प्याज और लहसुन का पानी। इस तरीके से हमने कपड़े के ऊपर डाल लेना है और इसका इस तरीके से हमने इसका रस निकाल लेना, ठीक है। इसमें हम ये हमने इसका रस निकाल लिया, ठीक, पानी इसका निकल आया। अब हमने और इसको क्या, इसको चम्मच को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ हमने ऐड करनी है, वो है लेमन, लीमू। यह है लेमन, इसको अभी हमने एक टुकड़ा चाहिए होगा इस नुस्खे के लिए, इसके बीज निकाल देने हैं आपने, ठीक है। और इसको इस तरीके से इस निचोड़ लेना है। अब इन तमाम इस तरीके से निचोड़ के हम तमाम अज्जा को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से हमें अभी आधा गिलास पानी चाहिए, या आधा गिलास या एक गिलास जितना आपका दिल चाहता कर सकते, उसमें तमाम अज्जा को डाल लेना है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये इस तरीके से
और उसके बाद हमने सबसे एंड में एक चीज़ और ऐड करनी है, वो है शायद हनी। हनी को आपने लाजमी ऐड करना है। एक चम्मच हमने इसमें शहद का डाल लिया है, ठीक है। ये इस तरीके से एक चम्मच इसको ऐड कर लेना है। अब ये आपकी ड्रिंक तैयार होगी। इसको खाने का इस्तेमाल किया आपने, इसको दोपहर में या सुबह में इस्तेमाल करना, रात में मत इस्तेमाल करना, ठीक है। दोपहर में या सुबह इस्तेमाल करना, ऐसा ये नुस्खा है। अगर कंटिन्यूज़ आपने एक महीना इसको इस्तेमाल कर लिया तो मैं कहता हूँ 100% आपकी ताकत आएगी और भूख भी लगाएगा और मैदे की गर्मी को भी ख़त्म करेगा और नफ्स ऐसा पावरफुल हो जाएगा। 70 साल वाला अफराद भी ये 4 शादियां कर सकता है। ऐसा पावरफुल नुस्खा है, उठ उठ के वो भी झटके मारेगा। ऐसा बेहतरीन नुस्खा मनी गाढ़ा करेगा, नफ्स में सख्ती लाएगा और टाइमिंग बढ़ाएगा। ऐसा नुस्खा है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखना होगा। अल्लाह हाफिज़।